नमस्कार, मैं रिंकू पिंपड़े एक्सेलेंट न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। मनीष नगर स्थित उत्कर्ष नर्सिंग होम के डॉक्टर पांडे दंपति ने आरोपी शीतल की कोरोना के दौरान जान बचाई थी, पर शीतल ने उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ की फिरौती मांग ली। मनीष नगर निवासी एक महिला चिकित्सक के नाम पर कुरियर से धमकी भरा पत्र भेजकर 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाली महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शीतल इटनकर बताया जा रहा है। आरोपी महिला शीतल का पति BSNL में अधिकारी के पद पर कार्यरत है। पुलिस ने शीतल को बुधवार के दिन न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी महिला को 19 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हमारे संवाददाता मुकुंद चौरसिया ने मामले की जानकारी बेल तरोड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय आकोत से ली। 11 तारीख को हमारे तरफ डॉक्टर पांडे जो फिरेदी है ये आया और उन्होंने बताया कि मुझे एक पत्र आया है और पत्र में 1 करोड़ रुपए की मांग किया है, अगर नहीं दिया तो तुम्हारे बच्चों को मारेंगे, ऐसी धमकी दिया था करके हम लोगों ने उसके ऊपर से प्राइमरी इंक्वायरी किया तो और आरोपी मैंने अज्ञात आरोपी के खिलाफ गुनाह दाखिल किया। उसमें हमने तपास किया, वो जो पत्र आया था वो कुरियर के माध्यम से आया था, तो हमने कुरियर के माध्यम से तपास किया, तांत्रिक पद्धति से तपास किया और उसमें हमें CCTV और तांत्रिक माध्यम से तपास करने के बाद ऐसा पता चला कि उसमें एक लेडी सम्मिलित है। उसके बाद आज सुबह हमने उसमें एक लेडीज को उसमें अटक किया है, वो मनीष नगर में रहने वाली लेडी है, 46 ईयर की है और उसका 19 तारीख तक PCR लिया है, आगे की जांच चल रही है। सर, इसमें और कोई आरोपी है क्या? उसमें और आरोपी है कि नहीं उसका भी छानबीन चल रही है। सर, आरोपी के ऊपर कोई पहले के कोई गुने होते? पहले के कोई गुने नहीं है, ये उनका पहला ही गुना है। सर, आरोपी का कुछ मेडिकल प्रॉब्लम? वो तो अभी उसका भी तपास चल रहा है, अभी तो फिलहाल अपने पास कुछ कागजात नहीं मिले लेकिन उसका तपास छानबीन चल रही है। ये थे बेल तरोड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय आकोत। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सेलेंट न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।